नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव बी नेचुरल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपने गार्डन में हुई फ्लावरिंग शेयर कर रही हूं कि किस तरह से मेरा जो गार्डन है इसमें फ्लावर्स निकले हुए हैं। ये देखिए, मैरीगोल्ड की बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, आप मैरीगोल्ड के पौधे बीज के द्वारा बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। और ये जो पौधे हैं ये मैंने सीड से लगाए थे, सितंबर में मैंने इसकी सीडलिंग कर दी थी, सीड्स डाल दिए थे, इसलिए ये बहुत सही समय पर इन्होंने मेरे से फ्लावर्स दे दिए। ये देखिए फ्रेंड, ये डहलिया, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है डहलिया में भी। ये डहलिया है दोस्तों, जब डहलिया का फ्लावर इस तरह से स्पेंट होने लगे, ये देखिए, या कोई भी फ्लावर स्पेंट होने लगे तो आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए ताकि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर सके, न्यू बर्ड्स बना सके। ये देखिए दोस्तों, ये जरबेरा कितना सुंदर दिख रहा है। ये कलंचे, ये देखिए, इसमें भी बस फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। इस तरह से देखिए, ये मैंने फ्लावर्स रखे आपको बताने के लिए ही कि अगर आप, ये देखिए स्पेंट होने लगे, अब आप क्या कीजिएगा, इन्हें यहाँ से कट कर देंगे। जब स्पेंट होने लगे तो ये और ज़्यादा फ्लावर्स देगा। कलंचे का जो पौधा होता है ये बहुत लंबे समय तक इसका जो फूल होता है वो टिका होता है, 15 दिन 20 दिन, कई कई बार तो महीने भर तक भी ये लगे होते हैं। ये इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली बर्ड्स बन चुकी है, कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिंगल पेटल फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए, ये मल्टी पेटल ऑरेंज कलर का फ्लावर है, ये भी मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर दिख रहे हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स सेवंती के, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये अपराजिता, इसकी बेल को मैंने पूरा कट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे फ्लावर्स दे रहा है। अभी ठंड में थोड़े इसके फ्लावर्स थोड़े से छोटे हो गए हैं, बाकी फ्लावरिंग हमेशा देता रहता है। ये मॉर्निंग ग्लोरी में भी रोज़ कुछ ना कुछ फ्लावर्स निकलते रहते हैं, ठंड के सीज़न में फ्लावर्स निकलना थोड़े कम हो जाते, बट कुछ ना कुछ इस पर भी फ्लावरिंग चलती रहती है। ये देखिए, ये नीलकंता का फ्लावर है, ये देखिए पीडाइंथस, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ये। ये टोरेनिया, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए आप, ये बहुत ही छोटे से गमले में मैंने लगा रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी ये जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं ये आप इस तरह से ऐसे निकाल दीजिए, वरना ये सीड्स बनाने लगेगा, फ्लावर्स कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये फ्लावर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत में मिल सके। तो मिलती हूँ दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।